उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में दिल्ली की घटना के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएए के विरोध व समर्थकों में दिल्ली में हुए बवाल को देखते हुए डीएम उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा ने अमरोहा नगर में मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल्ली की घटना के बाद लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सड़क पर डीएम और एसपी निकले और उन्होंने अमरोहा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर व चौराहा व मोहल्ला कोर्ट चौराहे से लेकर सराफा मार्केट व कोतवाली तक मार्च निकाला। इस दौरान पैदल मार्च निकालकर लोगों से भी बातचीत की और उनको भरोसा दिलाया कि अमरोहा में किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वह पुलिस से तुरंत संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि अराजकता फैलाने वाले कोई भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आज आपने फ्लैग मार्च किया मोबाइल पीछे जी। आज मेरे और डीएम साहब के द्वारा जनपद अमरोहा के बाजार घूमे गए हैं और इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। लोगों से निवेदन किया गया है कि यदि कोई उनकी शिकायत समस्या हो तो पुलिस या प्रशासन को बताएं और इसमें उचित कार्यवाही की जाएगी। और लोगों से लगातार हम संपर्क में हैं और पूरी पुलिस बल जो है अधिकारीगण सभी भ्रमण पर हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट है। बता दें कि दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोधी व समर्थकों के बीच जो हिंसा हुई है उसके बाद अमरोहा में भी प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि डीएम उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी लोग शांति बनाए रखें। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।